हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाना मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करके बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब तैयार होगा। फ्रेंड्स, जिसके घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं उसे आप एक ग्लास देना रोज शुरू करेंगे, वो बच्चे दिमाग से बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बनाना शेक बनाने के लिए हमने यहाँ पे केला ले रखा है, ये 5 केला है। एक कटोरी दूध ले लिया है हमने। 8-10 बादाम को हमने भिंगा के छिलके हटा लिए हैं। कुछ पिस्ता बादाम हमने काट लिया है जिससे हम गार्निशिंग करेंगे, और हम स्वाद के अनुसार शक्कर भी डाल लेंगे जितना मीठा पसंद है। तो चलिए हम एक मिक्सर जार ले रहे हैं। मिक्सर जार में हम सबसे पहले अपना भिंगा हुआ बादाम डाल देंगे और इसमें हम केला का छिलका हटाते हुए डाल देंगे। केला का छिलका हटा के हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डाल देंगे। तो हमने सभी केले के छिलके हटा के उसके टुकड़े करके डाल दिए हैं। अब हम इसी टाइम शक्कर भी डाल ले रहे हैं। शक्कर अच्छे से गल जाता है और हम सबसे पहले इसमें 5-6 चम्मच दूध डाल के पीस लेंगे। इससे क्या होता है, अपना बादाम और केला अच्छे से पीस जाता है, नहीं तो टुकड़े रह जाते हैं। तो चलिए हम इसे थोड़ा ब्लेंड कर लेते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं, हमने इसे धीरे धीरे चलाते हुए ब्लेंड कर लिया है। अपनी केला जो है अच्छे से मिक्सर में मिक्स हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे एक्स्ट्रा दूध ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे दूध डाल रहे हैं। ये दूध गर्म करके हमने फ्रिज में चील कर लिया है, तभी ये शेक बढ़िया बनता है। आप देख सकते हैं दूध हमने डाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे आइस क्यूब। तो आपको ठंडा चाहिए तो आइस क्यूब डालिए, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। अब हम इसे फिर से ब्लेंड करेंगे। तो ध्यान रहे, हमने दूध डाला है तो दूध उछलेगा, संभाल संभाल के हमें चलाना है। तो फाइनली अपनी मिल्क शेक तैयार है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हम ग्लास में इसे सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी ड्रिंक्स है। जो बच्चे दूध पीना नहीं पसंद करते हैं उनको आप ये बना के दीजिए, बच्चे बहुत खुशी खुशी पी लेते हैं। इसमें बादाम भी है, मिल्क भी है और बनाना भी है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये हेल्दी हुआ। अब हमने जो थोड़ा सा बादाम पिस्ता काट रखा है उससे गार्निशिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बनाना शेक बनाना कितना आसान है। इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।